Assalamu alaikum students. Welcome to class 2. My name is Veena Fahim. I will teach you subject English. Now we will start our first chapter in the name of Allah. A'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. This is your Oxford Modern English book and this is your English book. Okay? And now we will start unit number 1. Unit number one, the Faiza's biscuit. Faiza's biscuit. Before reading read this chapter, we will learn vocabulary list of Faiza's biscuit. Vocabulary list of Faiza's biscuit. Number one is restaurant, tiffin. Hungry, empty, poor, people, stop, little, fun, biscuits, singing, wearing, carry, basket, put, down, outside, buy. Now I will tell the word meanings. Restaurant कि जहां हम खाना खाने जाते हैं, ठीक है, टिफिन जिसमें आप अपना लंच रख के लेकर आते हैं, जो आपका बॉक्स होता है, हंग्री मींस भूखा, एम्प्टी खाली, पुअर गरीब, पीपल लोग, स्टॉप रुक जाना, लिटिल छोटा, फन हल्ला गुल्ला करना, बिस्किट्स जो कुकीज हम खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, सिंगिंग गाना, wearing पहनना, carry उठाना, किसी भी चीज को carry करना, जैसे अगर bag में carry करूं, आप अपना school bag carry करते हैं, tiffin basket, इस तरीके से carry करना मतलब उठाना, basket जिसमें हम अपनी चीजें रखते हैं, put रखना, down नीचे, outside बाहर, buy means खरीदना. These are vocabulary list from chapter Faiza's biscuit. You read daily drill, you read these words at home, and now we will start reading Faiza's biscuit chapter. G students, now we will read this chapter, Faiza's biscuit. Faiza's biscuit means ke Faiza ke biscuits. ठीक है, Faiza ke biscuits. अब यहाँ इस पूरे chapter में जो है वो हम पढ़ेंगे कि ये biscuits का क्या relation है Faiza से. ठीक है, Faiza biscuits जो है वो क्यों फायजा बिस्किट्स का को कहा गया है कि फायजास के बिस्किट्स. तो नाउ वी विल स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ. फायजा इज पुअर, शी इज हंग्री, हर टिफिन कैरी इज एम्प्टी. फायजा इज पुअर, पुअर मीन्स गरीब. फायजा जो है वो ये बच्ची जो आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि दिस इज फायजा एंड फायजा इज अ पुअर गर्ल. पुअर मीन्स गरीब, ये गरीब बच्ची है. शी इज हंग्री, ये बहुत भूखी है. हंग्री मीन्स भूखी, भूखा. हर टिफिन कैरियर इज एम्प्टी, और इसके ये जो अपने हाथ में एक टिफिन ली हुई है ये एम्प्टी है. एम्प्टी मीन्स खाली, इसका जो टिफिन है वो खाली है. इसके बाद नेक्स्ट, अ कार इज स्टॉपिंग एंड पीपल्स आर गेटिंग आउट. अ कार इज स्टॉपिंग, एक कार रुकी और पीपल कुछ लोग जो है, देखें यू कैन सी कुछ लोग बाहर आए, यानी कि गाड़ी से बाहर उतरे. अब बाहर उतरने के बाद अब क्या हो रहा है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. A little girl looks at Faiza. एक छोटी बच्ची है, little means छोटा, एक छोटी लड़की है जो Faiza को देख रही है. This is Faiza and this is little girl. तो ये Faiza को देख रही है. They all go into the restaurant. और ये जो दोनों हैं, यानी कि जो little girl है उनके साथ जो भी उनके father हैं, वो दोनों कहाँ जा रहे हैं. They all go into the restaurant. जो family पूरी restaurant अपनी car से उतरी, वो पूरी जो है family वो कहाँ जा रही है, restaurant के अंदर जा रही है. नेक्स्ट है, फायजा इज लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट. फायजा जो है खिड़की से, रेस्टोरेंट की खिड़की से जो है वो देख रही है कि अंदर जो लोग गए हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि वो अंदर देख रही है रेस्टोरेंट के अंदर. नेक्स्ट, द पीपल्स आर हैविंग फन. अंदर जो लोग थे वो बहुत फन कर रहे थे, बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे. दे आर ईटिंग आइसक्रीम एंड बिस्किट्स.
और वो आइसक्रीम खा रहे थे और बिस्किट्स भी खा रहे थे. नाउ अ लिटिल गर्ल इज कटिंग अ केक. एक छोटी लड़की जो है वो केक को कट कर रही है. व्हाट आर द अदर सिंगिंग, और व्हाट आर द अदर सिंगिंग, और जो बाकी लोग थे वो गाना गा रहे थे. ठीक है जी, तो ये दो लाइंस जो है मैंने आपको डिस्क्राइब की है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड नेक्स्ट पैराग्राफ. यू कैन सी दिस पिक्चर, शी पुट्स द बॉक्स इन हर बास्केट. कि जो लिटिल गर्ल ने, जो छोटी बच्ची ने फैजा को एक बॉक्स दिया था और एक बैग दिया था, वो उसने क्या किया कि शी पुट्स द बैग्स इन हर बास्केट. उसने वो बैग जो था अपनी बास्केट में रखा, और शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हैट. और फिर वो बास्केट जो थी उसने अपने हैट पे रख ली, अपने सर पे रख ली, जिस तरीके से यू कैन सी इन दिस पिक्चर. शी गोज डाउन द रोड, और गोज मतलब जाना, और वो फिर जाने लगी रोड की तरफ. नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग. द नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब दूसरी सुबह क्या हुआ, क्या हुआ कि फाइजा इज आउटसाइड द स्कूल. फाइजा जो है वो आउटसाइड यानी बाहर, स्कूल के बाहर खड़ी है. शी इज बाहर है. शी इज व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, वो क्या कर रही है. एंड हु इज बाइंग समथिंग फ्रॉम हर, और कौन जो है उससे बाय करना, खरीदना, और कौन क्या खरीद रहा है उससे. तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं कि फाइजा इज आउटसाइड स्कूल, स्कूल के बाहर है, और वो स्कूल के बाहर क्या कर रही है, और कौन है जो वो कौन लोग हैं जो वो क्या खरीद रहे हैं फाइजा से. तो अब आप लोग जो है अगर गेस करें तो आप लोग मुझे फौरन आंसर यही देंगे ना, पिक्चर्स भी देख के और इस पूरे चैप्टर को सुन के, कि फाइजा के लिटिल गर्ल ने जो फाइजा को बिस्किट्स का बैग दिया था और एक बॉक्स दिया था, उसने वो केक तो खा लिया था लेकिन जो उसने बॉक्स था वो उसने जो है उसको ओपन नहीं किया था. तो फिर वो जो था उसके अंदर क्या था, उसके अंदर क्या चीज थी. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो आप मुझे फौरन जवाब देंगे कि उसके अंदर बिस्किट्स थे जो उसने नहीं खाए थे. लेकिन उस बिस्किट्स के साथ उसने क्या किया कि वो वहां स्कूल के बाहर उसको लेके बॉक्स लेके खड़ी हुई, और फिर वहां पर व्हाट इज व्हाट शी इज डूइंग, वो क्या कर रही थी, उसको सेल कर रही थी, यानी कि उन बिस्किट्स को सेल कर रही थी. और कौन था जो उसको खरीद रहा था, स्कूल के जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो तमाम स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे वो उससे वो बिस्किट्स जो है वो बाय कर रहे थे, खरीद रहे थे. अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उसने ये ऐसा क्यों किया, उसने केक तो खा लिया लेकिन उसने जो है वो बिस्किट्स नहीं खाए, तो उसने उन बिस्किट्स के साथ क्या किया कि उसको सेल किया. अब वो सेल क्यों कर रही थी, क्योंकि वो पुअर थी, गरीब थी वो, उसने अपना जो है गुजर बसर करने के लिए जो है वो उसको सेल किया. और फिर जब उसने इतनी मेहनत की, उसने इतनी मेहनत से उस बिस्किट से पैसे पैसा कमाया, तो फिर क्या हुआ कि 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स के बाद उसने क्या हुआ कि देखिए माशाल्लाह उसने एक अपनी मेहनत से जो है वो अपनी शॉप पूरी जो है वो खोल ली, और लोग उसकी शॉप पर जो है वो बिस्किट खरीदने जो है वो आते थे. ठीक है जी, तो यहाँ पर इस बच्ची की मेहनत दिखाई गई है कि किस तरीके से उसने खुद से जो है मेहनत की, और एक बिस्किट के बैग से जो है, एक बॉक्स से उसने किस तरीके से जो है पूरी शॉप को उसने खोल लिया. इसमें उसकी मेहनत जो है वो शामिल है.